हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे MLS यानी मेजर लीग सॉकर, और ये मैच खेला जाएगा लॉस एंजेलेस और न्यू इंग्लैंड रेवोल्यूशन के बीच में। तो दोनों टीम में से आज के मैच में कौन सी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है और कौन सी टीम एक वीक टीम है, इस टॉपिक पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कौन सी टीम इस मैच को विन करेगी और कितना गोल स्कोर करेगी, और किन 11 प्लेयर्स को टीम में लेकर चलना है, और किस प्लेयर को कैप्टन और किस प्लेयर को वाइस कैप्टन देना। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में कंप्लीट दी जाएंगी, आप वीडियो को ध्यान से देखना। तो पहले अब हम इन दोनों टीम की पॉइंट टेबल पर नज़र डालते हैं, फिर हम दोनों टीम के हेड टू हेड मैचेस पर नज़र डालेंगे, फिर दोनों टीम रीसेंट फॉर्म पर भी नजर डालते हैं। तो हम पहले पॉइंट टेबल को देखते हैं। तो गाइस, लॉस एंजेलेस पॉइंट टेबल में फिलहाल के टाइम पर 7th पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें न्यू इंग्लैंड रेवोल्यूशन फिलहाल के टाइम पर 4th पोजीशन पर। तो दोनों टीमों की जो पोजीशन है उसमें भी हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गाइस, अब बात आती है कि दोनों टीम में से हम किस टीम को आज के मैच में एक फेवरेट यानी एक स्ट्रॉन्ग टीम मान चलें। तो मैं इस मैच में लॉस एंजेलेस को एक फेवरेट और एक स्ट्रॉन्ग टीम मान चलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक मजबूत टीम है और इस टीम के पास जो प्लेयर्स हैं ना वो काफ़ी अच्छी अच्छी लीग में खेल चुके हैं इससे पहले। तो कहीं ना कहीं डिफेंस भी इस टीम का अच्छा है और अटैक भी बेहतर है, तो इसीलिए मैं इस टीम को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। और ये मैच लॉस एंजेलेस में ही खेला जाएगा, तो एडवांटेज रहेगा होम टीम का, तो इसीलिए मैं लॉस एंजेलेस को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन हम बात करेंगे जब दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस दोनों टीम की ओर से देखने को मिलता है। तो गाइस, दोनों टीम के बीच में लास्ट 5 हेड टू हेड मैच हो चुके हैं और एक मैच लॉस एंजेलेस ने इस टीम के सामने विन किया है, 4 मैच ड्रॉ खेले हैं। अटैक से 1.8 गोल पर मैच स्कोर किया, डिफेंस से 1.4 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब ये है कि जब भी ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं ज़्यादा चांस ये रहते हैं कि दोनों टीमें एक दूसरे के सामने गोल स्कोर भी करती हैं और डिफेंस है कहीं ना कहीं पर मैच में गोल कंसीड भी कर देती हैं और अधिकतर रिजल्ट ड्रॉ में तब्दील रहता है। अब हम बात करें जो पिछला मैच दोनों टीम के बीच में खेला गया, दोनों टीम ने अटैकिंग ड्रॉ खेला, मतलब बोथ टीम टू स्कोर मैच गया, दोनों तरफ से गोल आए, और उसे भी मुकाबला फिर इन दोनों टीम बीच में एक हाई स्कोर मैच गया, 3-3 से मैच ड्रॉ गया, लेकिन दोनों तरफ से उस मैच में भी गोल आए। उससे फिर मुकाबला फिर इन दोनों टीम बीच मैच खेला गया और उस मैच में भी दोनों टीम ने 2-2 गोल किए, डिफेंस से 2-2 कंसीड किया, मतलब बोथ टीम टू स्कोर होने का चांसेस इन दोनों टीम के बीच में 95% रहने मिलते हैं। और एक मैच लॉस एंजेलेस इस टीम के सामने 1-0 से विन किए और एक मैच अटैकिंग फिर से ड्रॉ खेली। तो आज के मैच में हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों टीम की तरफ से इस मैच में गोल आ सकते हैं। ओके, लेकिन करंट फॉर्म पर नजर डालते हैं कि दोनों टीम का फिलहाल टाइम पर अटैक और डिफेंस किस प्रकार है और किस तरह इन दोनों टीम का विनिंग रेशो है। तो दोस्त, लॉस एंजेलेस रिसेंटली 6 मैच खेल चुके हैं, 6 में से 4 मैच इस टीम ने विन करे हैं, एक मैच ड्रॉ खेला और एक मैच लॉस किया है। अटैक 2.2 है, डिफेंस 1.2 है, अटैकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है और डिफेंस देखा जाए तो इस टीम का हल्का सा डाउन है। अब हम बात करें जो पिछला मैच लॉस एंजेलेस 3-0 से विन करके आ रही है, 3 गोल किए, डिफेंस गोल तक कंसीड नहीं किया, उसे भी मुकाबला 3-2 से विन किए, उसे मुकाबला 3-1 से विन किए, उसे मुकाबला 2-1 से विन किए, और एक मैच ये टीम जरूर हारी लेकिन उस मैच में भी इस टीम ने 1 गोल किया और एक मैच ये टीम अटैकिंग ड्रॉ खेले। तो अटैक लॉस एंजेलेस का काफ़ी शानदार है, हर मैच में इस टीम का गोल आ ही जाता है, लेकिन डिफेंस भी कहीं ना कहीं हल्का सा वीक है, पर मैच में गोल कंसीड भी कर देता है। तो यहाँ से ये देखने को मिलता है अटैक मजबूत, डिफेंस थोड़ा सा डाउन है, मतलब दूसरी टीम गोल कर सकती है। और अब हम बात करते हैं न्यू इंग्लैंड का रीसेंट फॉर्म किस प्रकार है। तो रिसेंटली 6 मैच खेले, 6 में से इस टीम ने भी 4 विन करे हैं लेकिन 2 मैच लॉस किए हैं। अटैक 1-2 है, डिफेंस 1-2 है, अटैक डिफेंस 50-50 है लेकिन अधिकतर मैचेस विन कर लेती है। अब हम बात करें जो पिछला मैच न्यू इंग्लैंड हस्टन डायनामो के सामने 3-0 से विन कर गई, 0 का मतलब इस टीम ने क्लीन शीट रखा, जो 20 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं डिफेंडर को, मतलब वो इसने पॉइंट लिए। और एक मैच फिर इस टीम ने 1-0 से खेला, फिर से वन साइड मैच को विन किए, और एक मैच 2-1 से विन किया है और एक मैच 4-0 से हारा भी है सिनसिनाटी के सामने, और एक मैच ये टीम 1-0 से अगेन विन किए, उसे मुकाबले टीम 2-0 से हारी है। तो 2 मैच इस टीम ने ऐसे लॉस किए हैं जिनमें 1 भी गोल नहीं है आया, बल्कि इस टीम ने 4 मैच विन करे हैं जिनमें इस टीम ने सिर्फ 1 गोल डिफेंस कंसीड किया। तो यहाँ से ये पता चलता है कि न्यू इंग्लैंड का डिफेंस बहुत मजबूत है, मतलब जल्दी से गोल कंसीड नहीं करता, अगर गोल कंसीड करता भी है तो मैच को हारती ही है, ये चीज़ हमने देखने को मिली है। ओके,
करंट फॉर्म देखा हमने दोनों टीम का, हेड टू हेड मैचेस देखा, तो फाइनली इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले दोनों टीम की पॉइंट टेबल पर नज़र डाली, फिर हेड टू हेड मैचेस पर नज़र डाली, फिर हमने दोनों टीम की रीसेंट फॉर्म पर नज़र डाली। अगर हम तीनों फॉर्मेट को कंपेयर कर लगे कि एक साथ की तीनों फॉर्मेट में दोनों टीम में से कौन सी टीम मजबूत है, तो पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग दोनों टीम का अगर पोजिशन वाइज देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको दोनों टीमें बराबर की देखने मिलेंगी। हेड टू हेड में भी अधिकतर यही देखा गया कि जब भी दोनों टीम आपस में खेलती है अधिकतर मैच ड्रॉ खेलती हैं। सिर्फ एक मैच लॉस एंजेलिस ने पिछले 5 मैच से विन किया है। और रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो लॉस एंजेलिस का अटैक बहुत मजबूत है, डिफेंस गोल कंसीड कर देता है, और न्यू इंग्लैंड भी रिसेंटली परफॉर्मेंस अटैक से अच्छा दिया है और डिफेंस भी लाजवाब है। तो तीनों फॉर्मेट में आपको दोनों टीमें इस मैच में 50-50 नज़र आएंगे। तो फाइनली गाइज अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए, मतलब इस मैच में कितने गोल होने चाहिए और इस मैच को कौन सी टीम विन करनी चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि लॉस एंजेलिस का अटैकिंग परफॉर्मेंस रिसेंटली अच्छा है, तो कम से कम 2 गोल तो इस टीम के सामने आज भी कर देगी। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि न्यू इंग्लैंड भी इस मैच में कर सकती है गोल। क्यों? क्योंकि न्यू इंग्लैंड का जो डिफेंस है गोल तो जल्दी से कंसीड नहीं करता, बल्कि अटैक बहुत अच्छा है, हर मैच में गोल कर ही देता है। और जब भी दोनों टीम आपस में खेलती हैं तो ये तो चांसेस रहते ही हैं कि दोनों टीमें एक दूसरे के सामने गोल कर देती हैं। लेकिन मैं आज उम्मीद ये करके गया हूँ कि लॉस एंजेलिस इस मैच को विन करेगी, लेकिन इंग्लैंड उस मैच में एक गोल करेगी भी। तो 2-1 का प्रेडिक्शन इस मैच का रखा है। अब 2-1 का प्रेडिक्शन के अनुसार किस तरह हमें अपनी टीम में प्लेयर्स को जगह देनी है और किस कॉम्बिनेशन से हमें अपनी टीम में प्लेयर्स को लेना है, किसको कैप्टन बनाना है, किसको ग्रैंड लीग में, किसको स्मॉल लीग में, ये सारी जानकारी अब हम आपके लिए आगे चलकर कंप्लीट देंगे। क्योंकि अभी तक हमने वीडियो में बात की टीम को लेकर कि कौन सी टीम विन करेगी और कितना गोल कर सकती है, अब हम बात करेंगे प्लेयर्स को लेकर कि कौन कौन से प्लेयर हमारी टीम में इंपॉर्टेंट रहेंगे और उनके किन प्लेयर्स को हम कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाएंगे। तो चलिए अब नजर डालते हैं सीधे प्लेयर्स के रिकॉर्ड पर। तो पहले देखते हैं हम लॉस एंजेलिस के प्लेयर्स को, उसके बाद हम देखेंगे न्यू इंग्लैंड के प्लेयर्स को। ओके, तो पहले तो गाइज अभी इस लीग की शुरुआत हुई है तो 3 गोल आए हैं। कार्लोस वीला ने 1 गोल किया, लेकिन ये याद रहे आज के मैच में ये एक इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेगा। फिर यहाँ से ओपोको 1 गोल कर चुका है और यहाँ से चिलेनी 1 गोल कर चुका है। जियोर्जे चिलेनी अगर आपको याद आया होगा ये जुवेंटस के लिए खेला है, सेंटर बैक है इस टीम के लिए भी, और कहीं ना कहीं ये पेनल्टी भी ले सकता है और एक बेहतर ऑप्शन है। तब से आया, इसने परफॉर्मेंस अच्छा दिया और इस टीम का डिफेंस में कहीं ना कहीं सुधार किया है। अब आपको 3 गोल देख के एक एक प्लेयर्स का संतुष्टि नहीं मिली होगी, तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए पिछला सीजन का इन प्लेयर्स का रिकॉर्ड दिखा देता हूँ कि कौन से प्लेयर ने इस टीम के लिए हाईएस्ट गोल किए थे, कौन से ने असिस्ट किए थे। ये मैंने आपके लिए इसलिए बताया क्योंकि अगर आपको मैं दूसरी टीम का सीधा पूरा रिकॉर्ड दिखाऊंगा तब आपको ऐसे लगेगा यार इतना सारे गोल, लेकिन मैं अब आपको इस स्टार्टिंग में इसलिए दिखाएं क्योंकि ये इस लीग की स्टार्ट है तो एक एक गोल सब गए हैं। तो हम पिछले सीजन का रिकॉर्ड देखते हैं। ओके, तो पिछले सीजन में आपको बरसात देखने मिलेगी इन प्लेयर्स की तरफ से। चिगो अरांगो इस टीम की तरफ से टॉप 5 गोल टेकर था, 18 गोल किए थे। कार्लोस वेला जिसने अभी 1 गोल किया, 12 गोल किए थे, लेकिन 4 गोल पेनल्टी में किए थे, तो पेनल टेकर है। फिर यहाँ से ओपोको जिसने इस टीम के लिए 8 गोल किए थे, लेकिन इस सीजन 1 गोल कर चुका है। ये चीज़ मैं आपको दिखाना इसलिए चाहता था ताकि आपको ये लगे कि हाँ ये टॉप क्लास प्लेयर है। ओके, फिर यहाँ से सीफुन टेस्ट ओके, तो इसने 7 गोल भी किए थे। फिर यहाँ से रियान है, एक बेहतर ऑप्शन है, लेकिन सब प्लेयर्स को हम टीम में ले नहीं सकते और ये हमें भी पता है कि सब प्लेयर एक साथ खेलने वाले भी नहीं हैं, तो इनमें से जो प्लेयर्स खेलेगा ना उनको तो पिक करके चलना ही चलना। मुझे लग रहा है कि चिको अरांगो शायद इस टीम को छोड़ चुका है, लाइनअप के हिसाब से देखेंगे अगर सिक्वर्ड में होगा तो टीम में लेंगे। मुझे अब कन्फर्म नहीं, मैंने सिक्वर्ड नहीं देगी दोनों टीम का, लेकिन कार्लोस विला का कन्फर्म ये खेलेगा, कैप्टन बनाना। ओके, बाकी यहाँ पर जेसस मोरिलो है, एलेन कैलियन कोस्टा है, ग्रेथ बेल है, ग्रेथ बेल का चांस कम है शायद, अभी हैगा वैसे इसमें, बाकी यहाँ पर रिकॉर्ड है। देखो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सीधी सी बात है, नो बकवास, यहाँ पर आपको यही देखने मिलेंगे, तो इन प्लेयर्स को आपके मैच में लेकर चलना है। असिस्ट वाले देख लेते हैं क्योंकि एक असिस्ट के 20 पॉइंट मिलते हैं, तो असिस्ट वाले प्लेयर्स को देखते हैं। तो असिस्ट में भी आपको कार्लोस वेला देखने मिलेगा, ये मत समझना कि गोल कर सकता है बल्कि असिस्ट भी प्रोवाइड कर सकता है, दूसरे प्लेयर को गोल करवा भी सकता है, इसका मतलब ये है। जोस है इस टीम के लिए गोल असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट, डियागो पलासियस 5 असिस्ट, चिको अरांगो 4 असिस्ट, कैलेन अकोस्टा 4 असिस्ट, यहाँ से ओपोको 3 असिस्ट, जेसस मोरिलो है 3 असिस्ट किए थे, बैरन रोड्रिगोज ने 3 असिस्ट किए थे। हर एक प्लेयर्स का ना वैसे नाम मेरे को सबका याद है, लेकिन जोश में मैं हमें तक कंफ्यूज रहता हूँ, जब इसका नाम जोश आता है स्टार्टिंग में मेरे को भी जोश चढ़ जाता है, तो कहीं ना इसका नाम में थोड़ा सा दिक्कत आती है। बाकी
बहुत समय से, आई थिंक मुझे इतना पता है 3 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ MLS लीग की, तो हर एक प्लेयर्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है कौन सा प्लेयर कैसा है कैसा नहीं है, तो आप इस चीज़ से तो बेफिक्र रहे हैं ओके। लेकिन ये वो प्लेयर्स हैं जो आपके लिए हर सीज़न में टॉप कर परफॉर्मेंस करेंगे। अब ऐसे नहीं यार कि ये हर सीज़न में यही देखना, देखो सीधी सी बात है जैसे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रहते हैं उनको हमें अपनी टीम से उम्मीद रहती है कि ये रन बनाएंगे, तो ऐसे थोड़ी कि हम जसप्रीत बुमराह उम्मीद करेंगे यार नहीं आती है 100 लगाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो सेम लाइक आपको ऐसे ही एज ए ओपनर रहते हैं तो ये परफॉर्मेंस करते हैं, वहाँ पर ये फ़र्क रहता है कि एक बॉल पर आउट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फ़र्क रहता है कि 90 मिनट में कभी भी गोल कर सकता है, और ये तो कन्फर्म है कि यार 1-2 गोल तो हर मैच में आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर और वहाँ पर में ये डिफरेंस है, यहाँ पर 90 मिनट का टाइम है, वहाँ पर एक बॉल का टाइम है कब बोल्ड हो जाए, ये चीज़ आपको हमेशा ना माइंड में मतलब दोहरानी चाहिए। फुटबॉल एक इजी गेम है जिसमें आप अपना लॉस को रिकवर कर सकते हो। मैं जितने दिन से फॉलो कर रहा हूँ फुटबॉल को, आई थिंक मुझे ना पिछले 5 साल से मैं फुटबॉल कंटिन्यू खेल रहा हूँ, 3 साल से मैं वीडियो एक्सपीरियंस है। अब आप ये मान सकते हो कि मैंने इतना कुछ इसमें अर्न भी किया है और आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी भी दी है। देखो हो सकता है लंबी वीडियो हो जाए लेकिन मैं हमेशा ना एक बेहतर आपको सलाह दूंगा ओके। तो काफ़ी ज़्यादा बात कर चुका हूँ मैं, अब हम बात करते हैं सेकंड टीम के कौन से प्लेयर का कितना गोल और कितना असिस्ट आए, तो देखते हैं उनको भी। तो गाइस इस सीज़न में नहीं पिछले सीज़न में इस टीम की तरफ से गुस्टाव बो था इस टीम की तरफ से टॉप हाइस्ट गोल टेकर, लेकिन फिर कार्लेस गिल का भी 7 गोल आए थे, 4 असिस्ट किए थे मतलब पेनल्टी में किए थे, एडम बुक्शा का 7 गोल आए थे, टॉमी का भी 4 गोल आए थे, फिर यहाँ से डेलान बोरेरो जिसका 3 गोल आए थे, बाकी यहाँ से बोटेंग का 2 गोल आए थे, बाकी सभी प्लेयर्स का 1-1-2 गोल हैं। मतलब इसने पूरे सीजन में मतलब एक सीज़न में 20-25 मैच खेलती टीम, जितनी टीम खेलती उसमें डबल मैच हो जाते हैं, कहीं ना कहीं 25-30 मैच में इन प्लेयर्स का इतने इतने गोल आए, ये चीज़ आपको याद रहे ओके। फिर यहाँ से गुस्टावो है एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर खेलेगा तो लेंगे। कार्लेस गिल का 1 गोल आया, लेकिन अभी तक इस टीम ने जो पहले मैच में प्लेयर्स को खिलाया था ना वो काफ़ी नए थे, तो क्या पता उनको फिर से मौका मिल जाए, लेकिन वो जो प्लेयर्स हैं उनको मैं आपको टीम बनाऊंगा तब उनके बारे में बताऊंगा कि कौन सा ने कितने गोल किए अभी तक, 1-1 गोल आए वैसे लेकिन कौन कौन से कहें वो भी बताऊंगा ओके। अब हम बात करते हैं असिस्ट वाले कौन से प्लेयर हैं, तो एक बार उन पर भी नज़र डालते हैं। तो असिस्ट में देखा जाए कार्लेस गिल का 9 असिस्ट हैं, फिर यहाँ से ब्रेंडन 7 असिस्ट, फिर यहाँ से जोनेस का 5 असिस्ट, सबास्तियन ललेटगेट बेहतर प्लेयर है लेकिन खेलने का चांस लेस है, अगर खेलता है ना तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, इसके अंदर काबिलियत है कि ये गोल कर देता है ओके। फिर यहाँ से टॉमी है लेकिन इसकी पोजीशन हमेशा मायने रखती है, पोजीशन वाइज ना अगर ये पोजीशन वाइज डिफेंसिव पोजीशन पर दे गए हो तब तो गोल करेगा क्या, असिस्ट आ सकता है फिर उस कंडीशन में, अगर इसको अटैकिंग पोजीशन पर रखा गया तब इसका गोल आने का चांसेस रह सकते हैं ओके। और ऐसा नहीं गोल नहीं कर सकता, बहुत अच्छा प्लेयर है, और मैं और आप अगर आप मेरे बहुत पहले जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे मैं इस प्लेयर को हमेशा अपनी टीम में जब भी अटैकिंग पोजीशन खेलता कैप्टन वाइस कैप्टन दिया था, और हमने वन साइड मैचेस विन किए थे, बाकी का रिकॉर्ड आपके सामने आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एडम बुक्सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने अभी किसी टीम के लिए खेलते देखा तो शायद ने इससे ट्रांसफ़र ले चुका है ये ओके। अब हम बात करते हैं इस मैच का, दोनों टीम्स का रिकॉर्ड देख लिया, इस मैच की स्कोर लाइन प्रेडिक्शन के हिसाब से क्या इस मैच में हमारी टीम रहती है, तो देखते हैं टीम को। बात ही बात में ये भी भूल गए कि आपसे कहना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर हाँ यार दोस्त कर लेना अगर आपको सही लगे तो। वैसे मैं आपके लिए बता दूँ फैंटेसी फुटबॉल में आपके लिए ये बेस्ट चैनल है, अगर आप चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हो। तो चलिए अब बात करें गोलकीपिंग सेक्शन में, तो यहाँ से पैट रोबिक और यहाँ पर आपको दूसरी तरफ मकार्थी देखने मिलेगा जिसको चाहे आप पिक कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप न्यू इंग्लैंड के गोलकीपर को लेकर चलें ओके। आप चाहते हैं लॉस एंजलिस का भी ले सकते हो लेकिन मैं पैट रोबिक को लेकर चला हूँ, मच्छर खा गया यार। चलो हम बात करें डिफेंडिंग सेक्शन में, तो यहाँ से हमारी जो पहली चॉइस रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा है पलासियस जो कि 7 असिस्ट निकाल चुका है इस टीम के लिए, तो इसलिए पिक करना है। फिर यहाँ से चिलिनी है, एक न्यू साइनिंग है और इसने 1 गोल किया भी है रिसेंटली, तो हम इनको भी लेकर चलते हैं क्योंकि खेलने के चांसेस का हाई रहेंगे इस मैच में ओके। फिर यहाँ से जेसस मोरेला जिसने प्रीवियस सीजन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था असिस्ट को लेकर, तो इसलिए इनको भी लेकर चलेंगे। फिर यहाँ पर रियान है, रियान एक बेहतर ऑप्शन है, गोल सेक्शन से भी पॉइंट है, असिस्ट से भी चांसेस हैं, तो आप इन्हें भी ले सकते हो। देखो प्लेयर्स तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पर आपको, लेकिन हमें 1-2 प्लेयर्स मतलब 3-4 डिफेंडर को ही लेना है, क्योंकि इससे ज़्यादा लेंगे फिर इसका
इसका मतलब ये है कि यार उनका गोल आना सिर्फ पॉइंट आना जरूरी है, और इतना डिफेंडर का मेजर लीग में पॉइंट नहीं आता, मैक्सिकन लीग में तो हो जाता है कि पॉइंट आ जाते हैं, मेजर लीग एक हाई स्कोरिंग लीग है। ओके, तो इसलिए मैं इससे ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा डिफेंडर को। तो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर वो मैंने आपके लिए बताए हैं, अभी के लिए मैं इन चारों को लेकर चलता हूँ, बाकी यहाँ पर बाय है, जोनस है, सबको तो नहीं ले सकते ना यार। अब हम बात करें मिड में, तो मिड में मेरी पहली चॉइस कार्लेस गिल है, जो कि टीम की तरफ से पिछले सीजन भी इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे टीम में जो रहने वाली है, यहाँ से बुआंगा को पिक करेंगे, क्योंकि बुआंगा एक रिसेंटली न्यू साइनिंग इस टीम के लिए, तो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, जोश मेरी टीम में रहेगा। फिर आपके सामने बता दो, केलेन अकोस्टा ने पिछले सीजन अच्छा कर मतलब काफ़ी कुछ किया था टीम के लिए, लेकिन ये ऐसा प्लेयर है जो बिना गोल के पॉइंट देता है, और गोल का चांसेस बहुत कम रहते हैं, असिस्ट का भी चांसेस कम रहते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं इसको अटैकिंग पोजीशन पर डाल दिया जाता है तब ये गोल मार देता है, तो कहीं ना कहीं तब ये इंपॉर्टेंट रहेगा लाइनअप के हिसाब से। बाकी यहाँ पर लतीफ़ ब्लेशिंग है, और यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं ऑप्स मतलब बचते हैं, जिनमें से मैं किसी को ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँ, क्योंकि इनका खास रिकॉर्ड नहीं रहा। ओके, अब हम बात करें फॉरवर्ड सेक्शन में, कार्लोस विला पहली चॉइस है, कैप्टनसी भी हमारी यही रहेगा। फिर यहाँ से बोरेरा, जिसने इस टीम के लिए रिसेंटली एक गोल स्कोर भी किया है, ओप्पो को प्रीवियस सीजन भी और इस सीजन में भी एक गोल इसका आया है। फिर यहाँ से वुड है, एक न्यू साइनिंग है, गुस्टाव बोक, मैंने आपको बता दिया इस टीम तरफ से टॉप हाइस्ट गोल टोकर रह चुका है, तो इसका मतलब सिलेक्शन लेस है, तो वो जनता पागल है ऐसा नहीं है, बल्कि वो सिलेक्शन लेस है लेकिन रिकॉर्ड नहीं देखा, अगर वो रिकॉर्ड देखते तो आप इनको पिक करते हैं। बाकी यहाँ पर जो प्लेयर्स बचते हैं इनमें से मैं किसी को नहीं पिक करना, अभी के लिए हम देखो गुस्टाव बोक को रखते हैं, कार्लोस विला को रखते हैं। अब हमारे पास देखो ऑप्शन बचता है यहाँ पर ओप्पो को, इनको लेने की कोशिश रहेगी पूरी, लेकिन अभी के लिए हम बोरेरो को पिक करके चलते हैं, तो बोरेरो को मैं टीम में रखता हूँ, तो ये टीम का प्रीव्यू बनता है, तो ये टीम का फिगर प्रीव्यू बनता है, तो हमारी फाइनल टीम में कैप्टनसी अभी के लिए कार्लोस रहेगा। अब वाइस कैप्टनसी के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है इस मैच में, एक तो जोश, सेकंड यहाँ से गुस्टाव बो, और मुझे इतना पता है कि ये मेजर लीग है, यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच जाएंगे, दोनों तरफ से गोल हो जाएंगे, तो हम बो को या जोश को अगर कैप्टन वाइस कैप्टन देंगे तो कोई रिस्क वाला काम नहीं रहेगा। आप एक डिफेंडर कम कर सकते हो, देखो यहाँ से चिलिनी को मतलब ड्रॉप कर सकते हो, या अपनी टीम जेस मोरेलो को ड्रॉप कर सकते हो, फिर उस कंडीशन में क्या कर सकते हो, आप एक एक्स्ट्रा डिफेंडर या मिडफील्डर मतलब मिडफील्डर को पिक कर सकते हो, तब आपके लिए कहीं ना कहीं उस प्लेयर का चांसेस भी रहेंगे गोल आने के, तो इतना तो कन्फर्म इस मैच में 3-4 गोल तो आ ही जाएंगे, तो उसके हिसाब से मैंने अपनी अभी तो टीम नहीं बनाई, लेकिन कोशिश रहेगी लाइनअप के हिसाब से देखकर आपको फाइनल टीम भी दी जाए, लेकिन कोई कन्फर्म नहीं इस मैच को, फाइनल टीम अपने टेलीग्राम चैनल पर दूँ, लेकिन इतना कन्फर्म है जो आगे फुटबॉल के मैचेस हैं उनमें अपनी टीम जरूर पक्का दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर भाई, काफ़ी लंबी हो चुकी है क्योंकि बातें बहुत की है मैंने आप सबसे इस वीडियो में।